ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत बड़ी खबर, बड़ा मार्का पाकिस्तान और इंडिया का, और उसके लिए पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 अपनी जो है वो अनाउंस कर दी है। दोबारा से कॉन्फिडेंस का मुजाहरा पाकिस्तान ने दिखाया है, क्योंकि नॉर्मली आप देखते हैं कि टॉस के वक्त जो प्लेइंग 11 है वो कैप्टन अनाउंस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक दिन पहले दोबारा से प्लेइंग 11 अनाउंस की है। ये जो रिचुअल है पाकिस्तान का बाबर आजम के अंडर के एक दिन पहले आप प्लेइंग 11 अनाउंस करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कॉन्फिडेंट रह के एक दिन पहले ही अपना जो टेस्ट 11 या 12 होता है, इंग्लैंड भी यही करता है, वो अनाउंस कर देता है, पाकिस्तान भी यही करता है। पहले मैं आपको प्लेइंग 11 बता दूं, प्लेइंग 11 में बाबर आजम ऑब्वियसली कैप्टन है, ओपनर्स वही हैं फखर जमान और इमामुल हक, उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो कीपिंग करेंगे, और फिर सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, उसके अलावा आप देखते हैं फहीम अशरफ की इंक्लूजन, दोबारा से फहीम अशरफ को रिटेन किया गया, यानी कि पाकिस्तान चार पेसर्स के साथ जा रहा है, साथ साथ नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी और हारिस राउत जो है वो इस टीम का हिस्सा है। दोबारा से मैं आपको टीम बता दूँ, बाबर आजम, शादाब खान वाइस कैप्टन, फखर, इमाम, सलमान आगा, इफ्तिखार, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस राउत, चार पेस बॉलर्स पाकिस्तान के पास हैं। लास्ट टाइम पाकिस्तान के जो स्पिन अटैक था अगेंस्ट इंडिया में एक्सपोज हो गया था, विकेट्स नहीं ले सका था, 10 के 10 विकेट पेसर्स ने ली थी, पहला इंस्टेंस एशिया कप हिस्ट्री में हुआ था जिसमें 10 के 10 विकेटें पेसर्स के पास गई थी, वो पाकिस्तान के पास आया था। आपको याद रहे कि इंडिया जो है उसने पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ 21 ओवर्स में बहुत अच्छी बैटिंग की थी और किसी ने कोई विकेट नहीं हासिल की थी, चार ओवर्स आपके पार्ट टाइमर सलमान अली आगा ने भी कराए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान को एज स्पिन ऑप्शन रखा गया, उनके साथ फहीम अशरफ भी हैं, यानी कि फहीम, शादाब, उसके साथ साथ जो सलमान अली आगा, इफ्तिखार, ये चार बॉलर्स 20 ओवर्स कराएंगे, और आपके जो तीन फ्रंट लाइन पेसर्स हैं नसीम, शाहीन और हारिस, उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो 30 ओवर्स बाकी के करवाएंगे। नसीम शाह जो लास्ट मैच में थोड़े से इंजर्ड नजर आए थे, उनको इंजरी हुई थी, वापस गए, फिर आए थे वो बांग्लादेश के अगेंस्ट, अच्छी खबर यह है कि उन्होंने अपनी जगह रिटेन की है। कुछ लोग चाह रहे थे नवाज का इंक्लूजन हो जाए दोबारा फहीम की जगह पर, कुछ लोग चाह रहे थे कि शायद अब्दुल्ला या साउथ को मौका मिल जाए, फखर की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन रिजवान ने भी कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फखर बड़ा मैच का प्लेयर और इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, और यही है फखर जमान के साथ जो है पाकिस्तान गया है दोबारा से, सेम प्लेइंग 11 जो पिछला मैच खेली थी बांग्लादेश के अगेंस्ट लाहौर में, उसी को उतारा जाएगा दोबारा इंडिया के अगेंस्ट। एक बड़ी खबर यह पाकिस्तान की तरफ से।